Love is love. Love is love. Adios. बहुत लंबे सफर की महज ये शुरुआत है, अभी तो दो पल बीते हैं, अभी बाकी सारी रात है। तो स्पिति सीरीज के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं काजा की ओर। एंड वेलकम टू एपिसोड 2 फ्रॉम द स्पिति सीरीज। वेल, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वी वर इन टाबो एंड फ्रॉम टाबो वी वर लीविंग फॉर काजा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, वी आर गोना बी टेकिंग पिट स्टॉप्स ऑन द वे। सो वी हैव रीच्ड मोनेस्ट्री, यहाँ पे तो हम वहीं पे पहले जा रहे हैं और फिर यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्टली टू काजा। सो लेट्स गो। After what seemed like the most scenic drive in between the mountains, I reached Dhankar Monastery, जो एक हजार साल पुरानी monastery है। अंदर विजिट कर सकते हो और monastery के एकदम टॉप तक चढ़कर गए तो the views are mesmerizing. You'll get a bird's eye view of the Dhankar village and all the surrounding areas. For a minute, मुझे ऐसे लगा कि मैं एक bird की तरह free हूँ, away from all the people, everything, just high above, watching the world below me. तो उस मोनेस्ट्री से उतर कर कुछ मोमोज वोमोज खाकर हम आए हैं यहाँ पे। वी कम टू दिस ब्यूटीफुल स्ट्रीम दैट वी जस्ट फाउंड ऑन द वे। एक्चुअली हम जा रहे हैं काजा, बट काजा जाते जाते रास्ते में हमें ये एक स्ट्रीम मिल गया, सो वी जस्ट स्टूड ओवर देयर बिकॉज इट इज सो 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 ब्यूटीफुल, सो सीरीन। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं कुछ शॉर्ट्स लेने यहाँ पे, जो आप देखोगे इन 3, 2, 1। और यही तो खासियत है स्पिति की कि जहां भी गाड़ी रुका के खड़े हो जाओ तो व्यू विल जस्ट नॉट डिसअपॉइंट यू। एक तो एक एक अब तुम नजदीक फेंक रहे हो। एनीवे, एक और घंटा ड्राइव करने के बाद हम फाइनली काजा पहुंच गए एंड चेक्ड इनटू माय मोस्ट फेवरेट होम स्टे। सारे स्टेज के डिटेल्स हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। माय रूम हियर हैज एन ऑलमोस्ट 360 डिग्री विंडो व्यू और ये होम स्टे वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल होम स्टेज है। ओके, सो वी हैव चेक्ड इनटू दैट अमेजिंग होम स्टे जो मैंने अभी आपको दिखाया, और अभी हमें बहुत तेज भूख लगी है तो शशांक एंड आई आर जस्ट गोइंग आउट। वैसे इफ यू कम टू काजा, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं। एक्चुअली इट्स द एंटायर प्लेस इज लाइंड अप विद होम स्टेज, तो छोटे छोटे कैफेज वगैरह हैं, यू कैन कम एंड यू कैन ईट ओवर देयर इफ यू वॉन्ट टू। तो वी आर जस्ट गोइंग टू गो फाइंड वन एंड हैव समथिंग क्विक टू ईट। The Himalayan Cafe is a local cafe in Kaza serving all the comfort food you can think of. Maine ek coffee aur kuch pizza mangwaya and it was time for me to then call it a day. Good morning from Kaza. Abhi subah ke 9:30 baje hai actually. Main 8 baje se uthi hui thi, but I was the bed was so
सो कम्फर्टेबल, दिस इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल बेड आई स्लेप्ट इन माई लाइफ. मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था. आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू सम ऑफ माई फुटेज दैट आई हैव शॉट सो फार एंड सो ऑन. द टेम्परेचर इज 2 degrees बाय द वे एंड इट फील्स नाइस. मैं अभी ये जो होम स्टे की जो होस्ट हैं उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी जस्ट बनाई है, तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय कॉफ़ी विद द व्यूज़, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल भी दिखाया था इस रूम के व्यूज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. ये देखो, मतलब मेरी खिड़की में से व्यू ही व्यू है. यहाँ सामने देखो, देर आर स्नो कैप माउंटेन्स इज वेल. सो इट्स जस्ट सो नाइस एंड इट्स सो गुड. आज हम थोड़ा लेट निकलने वाले हैं बिकॉज वी लिविंग एट 11 इंस्टेड ऑफ लिविंग लाइक अर्ली मॉर्निंग टुडे, बिकॉज जहाँ हमने जाना है इज अ लिटिल क्लोज बाय, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग ड्राइव टुडे. सो हेंस वी हैव द लिबर्टी टू लीव स्लाइटली लेट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू बी एंजॉयिंग माई कॉफी सिटिंग बाय द विंडो हैविंग ब्रेकफास्ट विद द होस्ट एंड विद द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड देन वी विल गेट रेडी एंड लीव. The cold weather and a warm cup of coffee and these views. What a morning. मेरी होमस्टे की होस्ट ने कुछ ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रखा था, सो वी हैड दैट अलोंग विद हर. सम ऑफ द बेस्ट पराठास एंड कॉफी आई एक्चुअली हैड सो फार ऑन द ट्रिप, नॉट इवन किडिंग. ऑलराइट, सो ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, जस्ट लीविंग इन अनदर 5 minutes. एंड लाइक आई सेड, वी आर गोइंग टू 3 places बिफोर वी हेड फॉर किब्बर टुडे, एंड दैट इज़ द चिचम ब्रिज, जो बहुत ही फेमस ब्रिज है, टू हिक्किम, जो वर्ल्ड, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, द हिक्किम पोस्ट ऑफिस वो. एंड देर इज़ अ की मोनेस्ट्री, देर इज़ अ बुद्धा स्टैचू. सो वी गोना बी सीइंग ऑल दीज ब्यूटिफुल प्लेसेज ऑन द वे एंड देन वी विल बी गोइंग टू किब्बर, जहाँ पे हमारा दूसरा होम स्टे, वेयर वी विल बी स्टेइंग टुनाइट. सो लेट्स गो. ओके, तो मैं पहुंच गई हूँ हिक्किम, जहाँ पे दुनिया का, विश्व का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है. कभी सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? कैसे जाता है ये यहाँ से, ये तो मुझे भी नहीं पता. दिस इज़ यू नो, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस विच इज़ नॉट वेरी इनहैबिटेड. यू नो, बहुत सारी जगह है जैसे कि वगैरह जो बहुत ही कम हैबिटेशन यहाँ पे होती है और बहुत ही कम लोग आ पाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड एक्सेट्रा. अभी हम बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस. तो मुझे भी जानना है कि ये कैसे एक्चुअली पोस्ट करते हैं, कितने दिन लगते हैं वगैरह. तो जाते, अगर कोई मिले तो उनसे पूछते और जाके देखते कि ये पोस्ट ऑफिस आखिर है कैसा. तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, चलिए जाके देखते. हेलो. हेलो, कैसे हैं? मस्त एकदम. आप थोड़ा बताओ कि मुझे पोस्ट ऑफिस के बारे में. ये पोस्ट ऑफिस कभी स्टार्ट हुआ था? 1983 में शुरू हुआ. 1983 में, तो सब तब से ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है. तब से तो होगा शायद, इससे पहले किबर था. अच्छा, किबर था उसके पहले. अच्छा, ये पोस्ट जाते कहाँ से, कौन लेके जाता है इसको? पोस्ट पूरा दुनिया में जाता. नहीं, पर कैसे, कौन लेके जाता है और कहाँ जाता है यहाँ से? यहाँ से काजा तक डागिया है, काजा से बस में जाता है. और क्या कॉस्ट है इसके, पोस्ट कार्ड का और स्टैम्प का क्या है, कैसा है? पोस्ट का वैसे कि सस्ता 5 रुपये से लेकर 30-40 तक कॉस्ट है. ओके, और स्टैम्प? स्टैम्प तो कम से कम अपने हिसाब से जितने भी लगा दो, 10-20 जो भी लगा. नहीं, उसका कॉस्ट क्या है एक स्टैम्प? एक स्टैम्प सो ही नहीं, जैसे कि कहना 20 रुपये लगा दो, आप 10 रुपये लगा दो. अच्छा, अपने हिसाब से लगा दो. और ये वर्ल्ड में कहीं भी जाता है? हाँ जी. और अगर इंडिया में ही कहीं भेजा तो कितना टाइम लगता है पहुँचने को तकरीबन?
अगर स्पीड किया तो जल्दी पहुँचेगा, नॉर्मली किस टाइम लगा के नहीं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अच्छा, ज़्यादा मतलब कितने दिन? ये कंफर्म नहीं होता है। अच्छा, जगह जगह पे डिपेंड होता है, जगह की डिपेंड। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नॉर्बू केसर। क्या? नॉर्बू केसर। नॉर्बू, ओके नॉर्बू, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत मजा। अब हम कुछ पोस्ट कार्ड भेजते हैं यहाँ से फिर। चल के जा रही हूँ बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस है, तो ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ से भी पोस्ट हो सकता है, बट जो एक्चुअल पहले से 1983 के टाइम से जो पोस्ट ऑफिस है वो एक्चुअली किसी का घर है, यू नो, विच इज़ रियली स्ट्रेंज। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हो, मैं वो चल के जा रही हूँ, और वो जो दिख रहा है यहाँ पे लाइक विद अ लिटिल ब्लू डोर, वो किसी का घर है, एंड वहाँ पे एक्चुअली इज वेयर द पोस्ट ऑफिस स्टार्टेड। जो मैंने अभी पहले दिखाया वो तो अभी अभी डेवलप किया है, तो रास्ता थोड़ा कच्चा है, कैमरा मैं ऑफ करके पहले ध्यान देकर यहाँ पे पहुँचती हूँ और फिर मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। हिकिम पोस्ट ऑफिस जैसी जगह को विजिट करना इसलिए आपके मस्ट विजिट में होना चाहिए कि ऐसी लोकल आइकॉनिक जगह ही आपको इस जगह को बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से एक्सपीरियंस करने देगा। जैसे कि आज भी ये मिट्टी से बने घर, सालों से यहाँ रहते हुए कुछ लोकल्स, इनसे बात करो और कभी पूछना कि इतने हाइट पर विंटर्स में कैसे सर्वाइव करते हैं, या फिर यहाँ लिखी हजार चिट्ठियाँ कैसे दुनिया भर में पहुँचाई जाती है। Care. My list of reasons to visit beautiful local spots like this will just go on. For now, you bookmark the suggestion and enjoy the views. अच्छा, हिक्किम से निकलकर ड्राइव कर रहे थे और खूबसूरत रास्तों को और भी खूबसूरत बनाते हुए मिल गई कुछ आखिरी बची कुची बर्फ, तो बस रुकना तो था ही। हाँ सही, तुम स्टेप्स बना रहे हो उसके अंदर। दिखाओ, बहुत बढ़िया। वाओ, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल। तो हिक्किम से निकल के आसपास में और भी जगह है, स्टैचू दैट यू सी बिहाइंड मी, इट इज अ 35 feet टॉल स्टैचू, और ये एक जगह में आता है जिसको लांगजा कहते हैं। तो हिक्किम जहाँ पे वो पोस्ट ऑफिस था वहाँ से यू कैन ड्राइव डाउन टू लांगजा, इट्स नॉट टू फार अवे। ये सारी जगह मतलब बहुत ही आसपास ही है, तो यू कैन ड्राइव डाउन, कम विजिट दिस बुद्धा। देयर इज अ स्मॉल कैफे बाजू में, देयर इज अ वॉशरूम इज वेल, सो देयर इज दिस, देन देयर इज कॉमिक एंड फ्यू अदर प्लेसेस व्हिच आई विल शो यू ऑन द वे, बट फॉर नाउ हियर वी आर। तो लांगजा से निकलकर बढ़ी में एक और मोनेस्ट्री की ओर, द की मोनेस्ट्री। यहाँ एंटर करते ही हमें एक मॉन्क मिले जिन्होंने हमें उन्हें फॉलो करने के लिए कहा। वी फॉलोड हिम टू अ रूम दैट लुक्ड समव्हाट लाइक अ किचन एरिया। यहाँ हमें बिठा के ही गेव अस सम काइंड ऑफ अ हर्बल टी टू ड्रिंक। टी, हर्बल टी, कौवा और काफी नाइस। ये एक बार घुमाने से कितने मंत्र इसमें ये होते हैं? इसके अंदर लगभग 1 लाख ज्यादा मंत्र है।
क्या बात कर रहे हो, 1 लाख से ज्यादा। छोटे वाले होते हैं उसमें कितने होते हैं? एक रोटेशन से 1 लाख मंत्र रिसाइट हो रहे हैं। मैं भी घुमाऊंगा। खैर की से निकल के वी ड्रोव टू द पॉपुलर चिचम ब्रिज। क्या आपको पता है कि ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है? इट स्टैंड्स एट अ हाइट ऑफ 13,000 फीट कनेक्टिंग टू विलेजेस चिचम और किबर। व्यू तो खैर यहाँ कमाल है ही, लेकिन ये ब्रिज काफी आइकॉनिक है। इस ब्रिज को बनाने में पूरे 15 साल गए थे एंड इट डेफिनेटली इज एन आर्किटेक्चुरल डिलाइट टू वॉच। Small drive later from Chichem, I reached my homestay in Kibber. So finally, हम किबर पहुंच चुके हैं। किबर में चेक इन हो चुका है होटल में। द रूम इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी कोजी। इट्स एक्चुअली होम स्टे। तो मैं आपको क्विकली पहले रूम दिखा देती हूँ एंड देन वी जस्ट गो अराउंड एंड टेक अ लुक एट द रेस्ट ऑफ द रूम्स इन द होम स्टे। मैंने ये ट्रिप ओवरलैंड ट्रिप्स के साथ किया था एंड व्हाट आई लव द मोस्ट इज देयर चॉइस ऑफ स्टे ऑप्शंस, क्योंकि द व्यूज दैट दे ऑफर आर जस्ट सो गॉर्जियस। हेलो, बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी है यहाँ पे। हम जहाँ पे पहली जगह पे रहे थे इन चिटकुल, जो आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा, जो टेंट्स थे, तो अपेरेंटली वी थॉट दैट वुड बी द कोल्डेस्ट, क्योंकि वहाँ पे -5-7 degrees हो गया था रात को। बट टुडे ओवर हियर इट्स गोना बी -13, इट्स -10 राइट नाउ आउटसाइड, और रात को और भी लाइक -13-14 होने वाला है 3-4 बजे। सो इट्स गोना सुपर कोल्ड। सो अभी फिलहाल तो हम रूम में है, रूम में हीटर्स नहीं है, बट देयर इज वन वेरी ग्रेट थिंग दैट वी जस्ट गॉट, लेट मी शो यू। तो ये देखो, ये डबल ट्रिपल बेडिंग लगाई हुई है, बट ये जो नीचे दिख रहा है ब्लू कलर का, ये इलेक्ट्रिक बेड है। सो दिस इज बेसिकली हियर, दिस इज हाउ इट इज एंड दैट्स द कंट्रोल। सो अगर आपको पता नहीं है तो बेसिकली इलेक्ट्रिक बेड ये होता है जो बहुत ही ठंड वाली जगहों में होता है, यहाँ पे ये लगता है और उसके ऊपर कंबल है लाइक जिसके ऊपर आप सोओगे, और फिर ये दो और कंबल है। सो दैट्स ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर टू सर्वाइव द कोल्ड, एंड इसका कंट्रोल होता है तो यू कैन एडजस्ट द हीट इफ यू वॉन्ट टू। सो दैट इज द काइंड ऑफ things that we will be requiring to survive the night today. देखते हैं कैसे होगा। खिड़कियाँ वगैरह तो सारा ऑफ कोर्स बंद रखा हुआ है ताकि कुछ ठंड ना आए, बट स्टिल जस्ट फीलिंग लाइक सुपर 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 कोल्ड। एनी वे वी हैव अ वेरी अर्ली मॉर्निंग टुमारो, तो अभी तो मैं सो रही हूँ। कल सुबह हम उठ के जाने वाले हैं कल्पा, विच इज़ अ सुपर 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 लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम हियर फ्रॉम किब्बर। इट्स गोना टेक अस अबाउट 7-8 hours, मे बी इवन 10-12, अगर रास्ता बीच में एक लैंड स्लाइड हुआ या पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं, विच इज़ वेरी कॉमन इन दिस रूट। सो वो सब को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू लीव। प्लस टुमारो अपेरेंटली इट्स गोना बी सुपर कोल्ड, वी वर जस्ट चेकिंग द फोरकास्ट एंड दोपहर के 2 बजे तक इट्स गोना बी -degrees लाइक सब जीरो ऑल मॉर्निंग, दोपहर के 2 बजे तक। सो वी हैव टू ब्रेव द कोल्ड ऑल्सो। सो या बड़ा मज़ा आ रहा है यार, एक अलग ही थ्रिल है। एनी वे मैं तो अभी जा रही हूँ, my bed is already heated up, I'm going to go and catch on some sleep, I'll see you guys kal subah, breakfast karenge aur niklenge for kalpa। so good night, shubh ratri for now।
अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम किबर. वेल, सुबह के 8 बजे हुए हैं एंड वी हैव टू लीव एट 9 o'clock. लाइक आई टोल्ड यू लास्ट नाइट कि हमें आज निकलना है कल्पा के लिए और रूट बहुत ज़्यादा लंबा है. तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए. लाइक यू कैन सी, मैंने आज भी कल के ही कपड़े पहने हुए हैं. अ बैग्स आर पैक्ड. हमने कुछ भी नहीं खोला बिकॉज इट इज़ सो 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 कोल्ड ओवर हियर कि हम नहा नहीं सकते. We just can't touch the water, it's that cold. So we've just managed to like wash our faces, brush our teeth with the cold water as much as we could. And जो जैसे है वैसे ही वैसे, क्योंकि आज वैसे भी पूरा दिन गाड़ी में बैठना. So thought might as well just keep the bags as they are. So I'm gonna go down now, we're gonna have some breakfast and then quickly leave for Kalpa. So see you guys down for breakfast. खैर कल्पा के लिए निकले तो सही, लेकिन माउंटेन्स में ड्राइव करने के अपने ही चैलेंजेस होते हैं. कभी लैंडस्लाइड्स, तो कभी पत्थर गिरते हैं, तो कभी आंधी या फिर कभी कोई रोड वर्क. रूट इज रियली रियली लॉन्ग. वी टेकन अ लिटिल पिट स्टॉप एट नाको जहाँ हम लंच के लिए रुके हुए हैं. कुछ 2:30 बजे हुए अभी एंड वी जस्ट स्टॉप्ड फॉर लंच एट नाको जहाँ पे हम नाको लेक देखेगा. तो द सेम प्लेस वी फाउंड अ रेस्टोरेंट बिकॉज द रूट इज प्रीटी प्रीटी लॉन्ग टुडे फ्रॉम किब्बर टू कल्पा. सो हियर इज आवर फर्स्ट पिट स्टॉप. सो और लंच के बाद सीधा ऑन द वे टू कल्पा. ओके, सो आफ्टर दैट सुपर सुपर लॉन्ग ड्राइव हम फाइनली कल्पा पहुंच चुके हैं एंड कल्पा इज वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम वट एवर वी कैन सी. यहाँ पे किन्नर कैलाश दिख रहा है. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट ऑन द कैमरा. शो टू इन अ बिट इन अ बेटर शॉट, बट snow-clad mountains all around. We've checked into our hotel as well. अभी बस ऐसे ही वॉक के लिए निकली हूँ, कुछ शॉट्स लेना है यहाँ पे नीचे बिकॉज इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. ऑल्सो सरप्राइजिंगली हम जितने दिन से अभी यहाँ पे आए हुए हैं तब से लेके अब तक हमें पेड़ नहीं दिखे, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. वी ओनली बीन अमंगस्ट माउंटेन्स. तो आज हमें थोड़ी हरियाली दिख रही है, थोड़े पेड़ दिख रहे हैं. सो वी गोना यूटिलाइज दैट टू गेट सम गुड शॉट्स फॉर यू ऑल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड अ लॉट मोर. शाम की गर्म कॉफी, सर्द मौसम, आसपास जंगल और सामने बर्फ से ढका किन्नर कैलाश. नीडलेस टू से एनीथिंग मोर ना. और कुछ वक्त यहाँ पे बैठकर आई देन कॉल्ड इट अ डे. गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा. वेल, मैं एक्चुअली काफी टाइम पहले उठ गई हूँ एंड आई एम जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम इन अ जंगल ओवर हियर. एज यू कैन सी अराउंड मी there is a forest right beside the hotel. तो मैं वहाँ पर हूँ और जो आपको सुनाई दे रहा है वो हमारे ड्रोन की आवाज़ है. दैट्स शशांक एंड देर इज़ द ड्रोन. तो हम सुबह से यहाँ पर लगे हुए इन दिस जंगल, कुछ ड्रोन के शॉट्स लेने थे वो ले रहे थे बिकॉज कुछ बहुत ही ब्यूटिफुल इंस्टाग्राम कॉन्टेंट शूट करना था यहाँ पर. सो वी जस्ट बीन डूइंग दैट ऑल मॉर्निंग क्योंकि दिस प्लेस इज सो 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 ब्यूटिफुल फॉर शॉट्स. सो दैट्स दैट. यहाँ पे कुछ और वर्क स्पेंड करके यहाँ पे कुछ और शॉट्स लेके इस जंगल में देन वी गोइंग बी हेडिंग बैक टू द होटल हैविंग अ ब्रेकफास्ट एंड देन लीविंग फॉर फागू. सो फागू में क्या है और वहाँ से कहाँ जाने वाले, आई विल टेल यू जब हम रास्ते में होंगे तब. फिलहाल जंगल के मज़े लेते हैं साथ में. लेट मी टेक यू अराउंड. चलो. कौन कहता है कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता? ना ना ना, गुजरा हुआ वक्त कुछ ऐसी ऐसी जगहों में वापस आता है जहाँ बस देखते ही या कुछ सुनते ही या कुछ महसूस करते ही वो लौट आता है. चलिए आज कुछ गुजरे हुए वक्त को वापस ले आते हैं. पुराना वक्त बहुत चुपके से आता है और अचानक से, जैसे कभी कोई पेड़ों के बीच से आती हुई धूप की कुछ किरणें याद दिला देती है माँ के हाथ की उस गर्माहट को. जैसे सूखे पत्तों पर पाँव रखने से जो आवाज आती है ना, ऐसी आवाज जैसे उस दरवाजे से आती जब आपका भाई दबे पांव आपको डराने कमरे में आता. गीली मिट्टी की खुशबू से याद आ जाती है वो पहले प्यार की यादें. या फिर अकेले कहीं बैठने पर वो वक्त लौट आता है जो वक्त शायद कभी कहीं गया ही नहीं. यही है कैद आपके दिल में, आपके दिमाग में. Thank you.
यहाँ से निकलने के पहले आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द कल्पा विलेज वंस बिफोर आई लीव. तो इवन इफ यू कम टू कल्पा डोंट मिस विजिटिंग द विलेज. बहुत ही ब्यूटिफुल और क्वेंट विलेज है. मैं आपको ड्रोन के कुछ शॉट्स में अभी दिखाती हूँ इन अ मिनट्स टाइम. लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ज़रूर टेक अ वॉक इन दिस कल्पा विलेज. इट इज़ सो 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 ब्यूटिफुल. इट्स समथिंग यू शुड नॉट मिस. आई एम जस्ट गोना गो एंड वॉक थ्रू. छोटा सा कलरफुल और लाइवली विलेज है, कुछ चंद किन्नौरी पॉपुलेशन से भरा. यहाँ के कलरफुल घर आपको किसी स्टोरी बुक की याद दिलाएंगे और यहाँ चलते चलते हंसते हुए लोकल्स के वार्म चेहरे आपको हमेशा वेलकम करेंगे. सो इफ यू विजिट कल्पा डू टेक अ वॉक थ्रू द विलेज, यू लव इट. ओके सो वी एक्सप्लोर्ड कल्पा विलेज जस्ट लाइक यू गाइस सॉ. बहुत ही खूबसूरत विलेज है. इफ़ यू कम हियर मेक श्योर कि आप कल्पा विलेज भी एक वॉक लो. अच्छा जो हमारी गाड़ी है उसका टायर पंक्चर हो गया था तो ड्राइवर को हमने आगे भेज दिया था टायर ठीक कराने. सो नाउ वी हैव टू गो एंड कैच अप विद द ड्राइवर विच इज़ वाई यहाँ पे मेरे पीछे जो लोकल बस खड़ी है कल्पा विलेज भी. दिस विल टेक अस टू वेयर ही इज. ही इज़ अबाउट 20-ish मिनट्स फ्रॉम अस. सो वी गोना गेट इन द बस एंड कैच अप विद आवर कार. किसी भी नए शहर में जाकर एक बार वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट जरूर ट्राई करना. बहुत मजा आता है और साथ में एकदम ही लोकलाइट वाली फीलिंग भी. वो कहते हैं ना व्हेन इन रोम बी रोमन. बस में और हिचहाइकिंग करने के बाद हम फाइनली हमारी गाड़ी में पहुंच गए. वी रीयूनाइटेड विद एवरीबॉडी एंड नाउ डायरेक्टली ऑनवर्ड्स फागु. ऑलराइट सो फागु पहुंचते पहुंचते रास्ते में वी टेकन अ लिटिल पिट स्टॉप टू हैव लंच क्योंकि 2 बजे है और हम निकले तब से हम रुके नहीं है कहीं पे. तो दिस इज अ फर्स्ट पिट स्टॉप फॉर लंच एंड वॉशरूम वगैरह भी है यहाँ पे. सो जस्ट फॉर दैट देयर इज अ प्लेस हियर व्हिच द ड्राइवर सजेस्टेड सर्व्स लाइक रियली गुड दाल चावल एंड कढ़ी चावल. सो लेट्स गो एंड सी. खैर बढ़िया कढ़ी चावल ने तो लंच का काम सेट कर दिया और मैं निकल पड़ी फागु की ओर. तो यहीं पर एंड होता है मेरा स्पीति का सफर. लेकिन एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है. अब मैं निकलूंगी मैजिकल कसोल की तरफ. सो इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी विजिटिंग सम ऑफ बीट कैफेज एंड प्लेसेस ऑफ कसोल एंड ट्राइंग सम एक्सट्रीमली एजी स्टफ. तो फिलहाल के लिए अलविदा. सी यू सून.